हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हेलो गाइस। और आज है वेनेसडे और अभी मैंने गणेश जी की पूजा की है। मैं हर वेनेसडे को गणेश जी की पूजा करता हूँ और इस दिन मतलब सर्दियों में मेरे लिए थोड़ा सा कठिन समय होता है क्योंकि मुझे सुबह सुबह नहाना होता है। अभी मैं नहा धो के तैयार हूँ, एकदम फ्रेश। अभी फिलहाल खाना बनाया मम्मी ने और खाने में है बाजरे की वही रोटी जो हमेशा बनती है। और जिमी इधर सो रही है और उधर उषा पढ़ाई कर रही है जो कि वीडियो में आने के लिए कि वीडियो में पढ़ रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रही है। चले ए, ए, एक तो इसको छोड़ूंगा अपनी तेरी बेटी को मैं रात ने जल्दी बीच है और जवान तो बहुत हर 5 मिनट वही का लात मारनी पड़े। देख लो पर्ची चल सही में मतलब यार गंदी आ रही है कटर सही में लात मारनी पड़ेगी यार। लात तो पिछले व्लॉग में आपने जैसा कि देखा कि मैं बर्थडे पार्टी में गया था तो वहां जाके मैंने कुछ सीखा। वहां पे 15-15 साल के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो मैं भी सोचा इंग्लिश बोलूं, मैं इंग्लिश सीखूं। कल रात को इतना मतलब था कि मेरे को इंग्लिश सीखनी है, अभी सुबह जाके पता नहीं क्या हो गया कि मैं क्यों सीखूं इंग्लिश पता क्या हुआ पता क्या हुआ जस्ट मैंने उसके दोस्त बैठे थे धानी के और मैं पहली बार मिला हूँ उन सबसे तो उन्होंने मेरे हाथ मिलाया मेरे से। ठीक है, उन्होंने कहा हाय दूध। मैं 5 मिनट सोचता रहा मेरे को दूध हाँ वही तो दूध क्यों बोला मेरे को। फिर उसकी दोस्त आई उसको बोला हे ड्यूड। अच्छा मैंने ड्यूड बोला था क्या मतलब इंग्लिश कमजोर है। और क्या हुआ कि धानी के दोस्त बैठे थे और मैं बैठा था वहां पे तो आंटी आई कि बच्चों क्या खाना है तो बोले आंटी कुछ नहीं खाना पेट भरा हुआ है। तू तो बोला होगा 0.2 सेकंड में सोचा कैसे लोग हैं खाने के लिए मना करते हैं। आंटी पूछी मेरे से फिर तू क्या खाएगा। वहां आंटी को 2 कोल्ड कॉफी और रेड पास्ता और 1 सैंडविच। ओके आंटी बोले ठीक है बेटा। हाँ तो बर्थडे पार्टी थी खाएंगे ना आराम से एकदम। ऐसे क्या देख रही है बर्थडे पार्टी में खाने ही जाते हैं और क्या करने जाते हैं। अरे तेरे थोड़े दिनों में तूंद निकल जाएगी। मैं जितने तेरे वीडियो देखती हूँ ना उसमें तो चलता ही रहता है। हाँ नहीं वो खाना और कहीं जाता है तो नहीं समझेगी। अभी खाते है खाना फिर लाएंगे मार्कशीट जो कि कल मिली नहीं थी आज जाएंगे। और वो वाली लाइट खराब हो गई तो थोड़ी क्लियरिटी थोड़ा वीडियो में वो कर लेना आप क्या मैनेज कर लेना ठीक है। और जीमा क्या हाल चाल। 2-3 दिन हो गए इसका भी कुछ अलग ही दुख है बेचारी गुमसुम सी रहती है। तो मैं जा रहा हूँ अभी मार्कशीट लेने और यहाँ देखो हमारी सर्विस वुमेन स्कूटी साफ कर रही है। पुत्र होके भी मम्मी स्कूटी साफ कर रही है। देखिए मेरी बाइक तो चली गई वो खत्म हो गई थी बेचारी उसकी एज पूरी हो गई थी तो वो तो गई। और अब स्कूटी बची हाँ तो ये इसकी स्कूटी है। घर वाले बोलते हैं तो स्कूटी चलाएगा लेकिन ये बोलती है मैं चलाने नहीं दूंगी तो कुछ ऐसा सीन चलता है यहाँ पे। तो अभी मैं अंकित भाई को लेने आया था और इसको मैंने अभी देखा है क्या कर रहा था। नमकीन चावल खा रहा था मेरे बिना। आ जा दोनों भाई खाएंगे चल चल। तो अभी स्कूल में गए तो भले भले कि राम करण जी से बात कराओ जो हमारे कोचिंग वाले जो सर थे वो बोले पहले कोचिंग आओ बेटा और फिर मार्कशीट लेके जाना। और अब 2 किलोमीटर वहां पे कोचिंग जाएंगे फिर यहाँ वापिस आएंगे। तो मैं अंकित पे हंस रहा था कि रे बारे आज भी टीसी नहीं मिली और मुझे भी नहीं मिली मार्कशीट आज। सर ने कहा कल आना। तो देख रहे हो स्ट्रगल देख रहे हो मार्कशीट लेने का। माना फ्री में नंबर मिल गए इस साल लेकिन ये थोड़ी है कि मार्कशीट इतनी आसानी से मिल जाएगी। और इधर देखिए हर्ष भैया इधर आरटीओ आए हैं लाइसेंस बनवाने। किसका कहाँ पे है इधर। ओ भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। ओहो यार इनका तो शमशान घाट भी कितना प्यारा होता है ना। हमारा तो ये पबजी खेल रहे हैं इधर बैठे बैठे। वहां पे मेरा दोस्त सो रहा है वो रहा बाहर निकाल ये देख।
2500 की है और इसके पापा ने ला के दिए आगे से। वजह? हाँ आगे से, इसने बोला भी नहीं। मैं यार ऐसे इतने अच्छे पापा हमारे क्यों नहीं है? भाई बहुत है। ये बोला गर्म है बहुत ज्यादा, लेकिन दिक्कत बताऊं क्या है, ढीली है मेरे ला दी। इसके ढीली ला दी तो अब इसके फिटिंग करानी है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे गाड़ियां चलवाते हैं और कैसे लाइसेंस मिलता है। ये देखो, पहले कुछ नहीं था, सिंपल गोल चक्कर काटना होता था, और अब कितना डिफिकल्ट बना दिया, ऐसे चेंज कर दिया। अभी शाम की 4 बज रही है और अभी छोटा सा काम है एक अंकित भाई का, गिलास का कांच, तो वो करने आए हैं। उसके बाद मैं सीधा आप घर पे जाऊंगा। ये यहाँ के सेठ जी हैं। नमस्ते सेठ जी। इग्नोर कर दिए यार, तुम्हारे पापा का काम तुम्हें क्यों दिया जा रहा है? माना तुम जिम्मेदार हो गए तो इसका मतलब ये तुम्हें दे देंगे, क्यों सेठ जी? सही बात है ना, सही बात है ना। कहाँ जा रहे हो? Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far. और अभी मैं तो घर पे जा रहा था, लेकिन मम्मी का फोन आ गया, बोली बेटा जलेबी खान की मन में आ रही है। मैं ठीक है, ला रहे छू। लो थारी जलेबी। तो अलग ही मार्क्सिट आज भी उन ले। मम्मी बहाना बना के जाए रोज रोज के, मन पूछ ले। बना मत कर, जा। सच में कौन मिली? क्यों कौन मिली? फोन करके जाता हूँ। फोन करके गयो हो? तो राम करण जी का भेज दियो उन्हें। क्यों? राम करण जी सर बोला कल आ जाए। कल आ जाए, रोज की थी दूर, फिर ना वो कोई किए मतलब लग रहे। फिर क्या आ गया, बस रहन दे तुम, चलना गोली देनी रहन दे। नहीं, हमेशा ये मेरे को मास्क में देखता है ना, आज इसने मेरी शक्ल देख ली। हमेशा मैंने मास्क में देखे कर, आज के चीज हटा लिया। थोड़ी सी आई है मेरे, थोड़ी सी आई है। अरे मुल्ला की शिकायत आएगी। थोड़ी सी आई है। डर गए बच्चे। मम्मी थी जब। तो आज मैं गलती से खेलने चला गया, मैं कभी जाता नहीं हूँ, मेरी शक्ल भी नहीं पता इनको कि मैं इससे मेरी शक्ल कैसी है, आज पता चल गया, क्योंकि मैं एनी टाइम मास्क लगा के बाहर निकलता हूँ। मतलब अभी मैं खेल रहा था ना, तो बोले यार भैया के साथ खेलूंगा, ऐसे मतलब सेलिब्रिटी वाली जैसी फीलिंग आ रही थी। फिर वो बच्चे रोने लग गए, फिर मैं आ गया। मैं बहुत कम निकलता हूँ, आज मैं रिचार्ज खत्म हो गया तब मेरे को जाना पड़ा, तो चला गया मैं। सोचा पता नहीं आज क्या हो गया, मैं चला गया, मैं जाता नहीं हूँ, आज चला गया। मेरे को मेरी गली में बहुत कम लोग जानते हैं, मेरे को बहुत कम, जैसे आज मेरी शक्ल देख ली तो जानते ही नहीं आते, तो आधों को लगता है इनकी बस एक लड़की है, क्योंकि ये उसा ही बाहर निकलती है और उसा ही टावरों के साथ खेलती है। पहचान कुछ ऐसी बनाओ कुछ करके,
ऐसे खेल के पहचान नहीं बनती माता। के करना है तब। और आज डिनर में है खीर और जलेबी। मुंह में पानी आ रहा है ना। तो भाई मैं तो जलेबी को खीर में डबो डबो के खाऊंगा और इस व्लॉग को करूंगा इधर ही समाप्त, क्योंकि रुका नहीं जा रहा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वॉच टाइम बढ़ा देना। बाय बाय, लव यू।